गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग में सबसे पहले चीज हम बात करेंगे, ड्राइंग किसको कहते हैं। ड्राइंग इज ए प्रोसेस टू रिमूव ए लिक्विड फ्रॉम कॉन्टेक्ट ऑफ बैच ऑफ सॉलिड और लिक्विड मटेरियल। ड्राइंग क्या होता है कि जो लिक्विड मटेरियल रिमूव करते हैं फ्रॉम द सॉलिड या लिक्विड। तो यहाँ पे जो हम लिक्विड को कंसिडर करते हैं दैट इज द वाटर। तो वाटर मालिक्यूल का रिमूवल हम सॉलिड मटेरियल से करें या लिक्विड मटेरियल से करें उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो हमारा डेफिनेशन क्या हो गया, ड्राइंग इज ए प्रोसेस टू रिमूव ए लिक्विड यूजली वाटर फ्रॉम द कंटेंट ऑफ बैच ऑफ सॉलिड और लिक्विड मटेरियल्स। ये हो गया हम ड्राइंग। इसके बाद आता है कैसे होता है, क्या हमारी इसेंशियल चीज़ें हैं। इसमें हमारे दो चीज़ें इसेंशियली इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले हीट एंड मास ट्रांसफ़र। जब हीट ट्रांसफ़र होगा तभी मास से लिक्विड निकलेगा। इसमें दो फेनोमेना होंगे, एक तो हीट ट्रांसफ़र होना, दूसरा मास ट्रांसफ़र होना। वाटर रिमूवल क्या हो गया, वाटर रिमूवल मास का ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर हम इस पर बात करें इसेंशियली क्या इसमें होता है ड्राइंग में, कि हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्प्शन राइट इनटू द सब्सटेंस टू बी ड्राइड। जो सब्सटेंस हमको ड्राई करना है, जिस जो मटेरियल हमको ड्राइड करना है वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। पहला होगा हीट एब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद क्या होगा, जो हीट एब्जॉर्ब करेगा कोई भी सॉलिड मटेरियल तो उसके अंदर से जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो लिक्विड क्या करेंगे, डिफ्यूज होगी फ्रॉम द सेंटर टू सरफेस। तो पहला स्टेप हो गया जो हीट एंड मास ट्रांसफर फिनोमेना का, हीट एब्जॉर्प्शन राइट इनटू द सब्सटेंस टू बी ड्राइड। इसके बाद क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड मालिक्यूल टू द सरफेस। जो लिक्विड मालिक्यूल है, जो भी उसमें वाटर मालिक्यूल है, जो लिक्विड है वो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा फ्रॉम द इनर पार्ट टू सरफेस। इसके बाद क्या होगा कि जो वाटर मालिक्यूल सरफेस पे आ गया वो क्या होगा, उसका वेपोराइजेशन होगा। वेपोराइजेशन में क्या होगा, हीट वेपोराइजेशन मस्ट बी एडेड। और जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन प्रिंसिपली इनटू द गैसियस फेज। ये टोटल हमारा ड्राइंग का फेज होता है, इसमें यही प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। एक दूसरा इसमें आता है वेरिएंट इन ड्राइंग। दो वेरिएंट होते हैं, होता है ड्राइंग बाय एक्सपेंशन, इट रिलेटेड टू द प्रोसेस रिमूविंग लिक्विड फ्रॉम द वेट मास ऑफ मटेरियल आइदर बाय स्क्रूजिंग और कंप्रेशन द मास बाय सुटेबल। क्या होता है कि अब क्या बोलते हैं गाँव में, सुखता, उसमें पोर्स रहते हैं, उस पोर्स में क्या रहता है, और लिक्विड एब्जॉर्ब करता है, फिर हम उसको कंप्रेस करके उससे बाहर निकाल देते हैं। दूसरा क्या होता है, चीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग में क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द फ्रोजन मटेरियल। हम एक मटेरियल को कूल करते जाते हैं, फ्रीज करते जाते हैं, और फ्रीज करने के बाद उसमें जो भी फ्रोजन मटेरियल है उससे वाटर मालिक्यूल रिमूव करते हैं। तो हमारा एक ड्राइंग के प्रोसीजर थे इसमें। इसके बाद हमारा आता है ड्राइंग में सुपर हीटेड स्टीम। क्या होता है कि सुपर हीटेड स्टीम क्या होते हैं कि जिस स्टीम का टेम्परेचर 100 से ज़्यादा जाता है, तो जनरली हम ड्राइंग के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सुपर हीटेड स्टीम ही यूज करते हैं। ये हमारा सुपर हीटेड होने की वजह से जो भी मटेरियल है टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर वेरिएशन से ही हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा, और हीट ट्रांसफ़र होने के बाद हमारी फर्दर ड्राइंग की प्रोसीजर स्टार्ट होती है। जो हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस की, इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्राइंग इन द फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन।
क्या इम्पोर्टेंस है? तो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस में सबसे पहले आता है ड्राइंग प्रोसेस। जो ड्राइंग प्रोसेस है, स्मॉल क्वांटम ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम गैसेस, गैस से भी अगर हम वाटर वेपर रिमूव कर रहे हैं तो हमारा वो क्या होता है, ड्राइंग प्रोसेस। जो हमारे रेफ्रिजरेटिंग कॉइल है, क्या होता है, जो भी हमारे गैसेस का ड्राइंग क्या करते हैं, उसको रेफ्रिजरेटिंग कॉइल के ऊपर से पास करते हैं। द टेम्परेचर विच वी मेंटेन मस्ट बिलो द ड्यू पॉइंट, द मॉइस्ट एयर व्हेन द वाटर वेपर इज बीइंग रिमूव्ड आइदर बाय द लिक्विड वाटर या सॉलिड आइस। उस वाटर को रेफ्रिजरेटिंग कॉइल के ऊपर से पास किया जाता है। जब हम उसके ऊपर से पास करते हैं तो क्या होता है कि जो एयर में है वाटर मॉलिक्यूल है, या तो वो वाटर बन के रिमूव हो जाएगा या तो आइस बन के रिमूव होता है। जो हमारे ऑर्गेनिक लिक्विड या गैसेज है, ऑर्गेनिक लिक्विड या गैसेज आर केयरफुली ड्राई बाय द पासिंग इन द बेड ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट। जो ऑर्गेनिक लिक्विड है या गैसेज है उसका ड्राई क्या करते हैं, उसके लिए सॉलिड वेट के ऊपर से उसको पास करते हैं। सॉलिड वेट में हम जनरली यूज करते हैं सिल्का जेल या एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, सॉरी एक्टिवेटेड एल्युमिनियम Al2O3 और सिल्का जेल, ड्राइड सिल्का जेल के ऊपर एक क्या करते हैं, एब्जॉर्बेंट कवर करते हैं और जो भी इसमें मॉइस्चर है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें हम यूज कैल्शियम क्लोराइड भी यूज करते हैं, CaCl2 भी यूज करते हैं, एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट भी यूज करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट एनहाइड्रस भी यूज करते हैं। ये सॉलिड वेट के ऊपर ये मटेरियल यूज करते हैं और इसका जो वेट बनता है उस वेट के ऊपर हम एक ऑर्गेनिक लिक्विड या गैसेस को पास करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बहुत बार काउंटर करंट कॉन्टेक्ट से भी हम ड्राइंग करते हैं, इसमें हम जनरली स्ट्रॉन्ग कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन यूज करते हैं। फेस पॉइंट सेगमेंट में बेलाडोना बार नक्स भूमिका, इनका ड्राइंग प्रोसीजर हम साइज रिडक्शन और एक्सट्रैक्शन के बेसिस में भी हम इसका ड्राइंग करते हैं। जो हमारे हाईली थर्मोलेवाइल बायोलॉजिकल मटेरियल होते हैं, हाईली थर्मोलेवाइल बायोलॉजिकल मटेरियल में हमारा ब्लड प्लाज्मा, लिक्विड सीरम, एलाइड ब्लड प्रोडक्ट, स्किन टिश्यू, स्किन टिश्यू जनरली हम ड्राफ्टिंग पर्पज के लिए लेते हैं। इसका जो हम ड्राइंग करते हैं, जो हमारे ब्लड प्रोडक्ट है, ब्लड प्लाज्मा है, जो हाई थर्मोलेवाइल बायोलॉजिकल मटेरियल है, इसके लिए हमारा स्पेशलाइज प्रोसीजर होता है इसका ड्राइंग का। जो हमारे कॉमन प्रोसीजर है, कॉमन प्रोसेसर हम यूज नहीं करते हैं। इसके लिए प्रिजर्वेटिव, फ्रीज ड्राइंग, मेंटेन देयर बायबिलिटी प्रोफाइल, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए हम ड्राइंग प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीबायोटिक इंडस्ट्री। एंटीबायोटिक इंडस्ट्री में हम जनरली जो ड्राइंग है वो स्प्रे ड्राइंग यूज करते हैं, स्प्रे ड्राइंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस सॉल्यूशन, ये हम यहाँ पे हमारा स्प्रे ड्राइंग यूज करते हैं। बहुत से मटेरियल जो हैं बहुत से जो हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस हैं, जैसे हमारा माल्ट एक्सट्रैक्ट, मेल फर, प्लांट इंग्रेडिएंट्स, ये जनरली क्या रहते हैं, फ्री फ्लोइंग नहीं रहते हैं और इनका जो नेचर होता है विस्कस होता है, स्टिकी नेचर होता है। तो हम इसको जब हम ड्राई करते हैं, इसका ड्राइंग हम स्पेशल वैक्यूम ड्राई लिक्विडमेंट में ही करते हैं। क्या क्या हमने बोला, यूज किया था माल्ट एक्सट्रैक्ट, मेल फर एंड प्लांट इंग्रेडिएंट्स। इसमें क्या रहता है कि इनका जो ग्रोइंग प्रॉपर्टी है, ग्रोइंग प्रॉपर्टी बेटर नहीं रहता है, इसका नेचर डिस्कस और स्टिकी नेचर होता है, इसके लिए हम इसके ड्राइंग
स्पेशल वैक्यूम ड्राइंग इक्विपमेंट होता है उसमें करते हैं। इसके बाद आता है जो मटेरियल है, फिजिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस यूज फॉर ड्राइंग। जो भी हमारा मटेरियल है उस मटेरियल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उन चीज़ों पर हमारा ड्राइंग इम्पैक्ट करती है। जैसे हमारा कोई मटेरियल एमारपस है, क्रिस्टलाइन नेचर का है, क्लियर या कोलाइडल सोलूशन है, सस्पेंशन है, विस्कस है, इन सारी चीज़ों को भी कंसिडर करते हुए भी आपको ड्राइंग का प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ता है। तो हमको क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है ड्राइंग में, जब हम ड्राइंग प्रोसेस होता है, जब ड्राइंग प्रोसेस इट मे इवन बी नेसेसरी टू रिकवर द सॉल्वेंट सिंस द लार्ज क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड एंड इट्स हाई कॉस्ट। जब हम ड्राइंग करते हैं बहुत से जगह हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, अगर मान लो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की कॉस्ट ज़्यादा रहती है। हम क्या करते हैं, ड्राई करके उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को कलेक्ट कर लिया जाता है, और हमारा कलेक्शन की वजह से हमारी जो कॉस्ट है कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। बहुत से जो हमारे थर्मोलेवाइल प्रोडक्ट है, थर्मोलेवाइल प्रोडक्ट में क्या रहता है कि प्रोन होते हैं ऑक्सीडेशन के नमूने के लिए। जो भी हमारे हाईली थर्मोलेवाइल प्रोडक्ट से प्रोन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए, तो हमको ड्राइंग की जरूरत पड़ती है। मटेरियल फॉर द ड्राइंग में बी अवेलेबल आइदर इन द पैचेस या कंटिन्यूसली। जो ड्राइंग का प्रोसीजर है हम फॉलो करते हैं, या तो हम बैच वाइज ड्राइंग करते हैं या तो कंटिन्यूस ड्राइंग करते हैं। ये डिपेंड होता है कि ड्राइंग का मटेरियल कैसा है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसमें सॉल्वेंट कितना है, तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमारा ड्राइंग प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। अब आते हैं एप्लीकेशन है मैकेनिज्म ड्राइंग प्रोसेस। तो एप्लीकेशन में क्या रहता है, बेस्ड अपॉन द एक्सटर्नल पैरामीटर और इंटरनल मैकेनिज्म। क्या अच्छा कि एक्सटर्नल पैरामीटर और इंटरनल मैकेनिज्म इन दोनों को कंसीडर करते हुए ही हमारा ड्राइंग अप्लाई करते हैं। फ्लूइड फ्लोट सॉलिड रिवेल एक्सपेक्टिव एडजस्ट ड्राइंग मॉडरेटली रिफ्रैक्टरी। क्या होता है, जो सॉलिड मटेरियल होता है, तो सॉलिड मटेरियल का जो फ्लोइंग प्रॉपर्टी है फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती नहीं है, और उसके लिए डिफरेंट हमको ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो भी जो सॉलिड मटेरियल है, तो सॉलिड मटेरियल में हम ड्राई करते हैं तो हमारा ट्रिपल ड्राइंग साइकिल होता है। जो भी हम ड्राइंग का प्रोसीजर है इसमें हमारे थ्री स्टेप्स आते हैं, थ्री एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहला जो एस्पेक्ट होता है वो होता है इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड, दूसरा होता है कांस्टेंट रेट पीरियड, और तीसरा फॉलिंग रेट पीरियड। तो जो हमारा इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड होता है उसमें क्या होता है कि जब हम कोई मटेरियल हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा। जो इनिशियल उसको बोलते हैं हमारा इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड, हीटिंग अप पीरियड भी बोलते हैं। वेट सब्सटेंस है तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमारा इनिशियली उसको जब भी हम हीट करते हैं इनिशियली जितना भी हमने एनर्जी दिया तो वेट मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने में जो भी हमारा टाइम लगता है उसको बोलते हैं इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड। तो जो इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड होता है इट विल क्रिटिकली अब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द नियरेस्ट सराउंडिंग। जो भी हमारा हीट सोर्स है नियरेस्ट सराउंडिंग उससे हीट एब्जॉर्ब करेगा और वेपोराइजेशन फिनोमेना स्टार्ट हो गया। उस वेपोरेशन फेनोमेना जब स्टार्ट हो जाएगा तो जो भी वाटर मालिक्यूल है वो वाटर मालिक्यूल वहाँ से रिमूव होना शुरू होगा। तो इनिशियली क्या होगा कि जो सरफेस है, सरफेस हीट होता है, सरफेस से वाटर मालिक्यूल रिमूव होता है।
तो जैसे अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है वहाँ से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज होकर सरफेस पे आता है। जब सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल आता है फिर वहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो वेपराइज होता है। जब सरफेस से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो सरफेस क्या हो जाता है, कूल होता है और इंटरनली हीट होता है। तो इन्हीं फैक्टर को क्या बोलते हैं, कूल सरफेस होता है। जितना हमारा कूल सरफेस होगा, अगर हीट ज़्यादा और आउटर सरफेस कूल है तो हमारा वेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा, डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, इसके वजह से वेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा। जैसे जैसे होता रहता है फिर क्या होगा, सरफेस का भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और सरफेस का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसी को इनिशियल हीटिंग अप पीरियड बोलते हैं। इसके बाद होता है क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, या जो इसमें पॉइंट आता है क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। इसमें क्या होता है, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट वो पहले भी डिस्कस किए थे,